पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि साइबर योद्धाओं के साथ मीटिंग थी और मैंने कहा है कि हर योद्धा को मोदी बनना होगा। उन्होंने कहा कि मोदी यानी मास्टर ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। मोदी जी ने न्यू मीडिया का उपयोग करके दिखाया है दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोवर्स हैं, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि लगभग 97 मिलियन फॉलोवर्स मोदी के अकाउंट पर हैं। साइबर योद्धाओं की बैठक थी और मैंने कहा है कि साइबर योद्धाओं को, हर योद्धा को मोदी बनना होगा, मास्टर ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। मोदी यानी मास्टर ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। और मोदी जी ने ये न्यू मीडिया का उपयोग करके वो करके दिखाया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स किसी नेता के हैं तो नरेंद्र मोदी जी के, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, लगभग 97 मिलियन फॉलोअर्स के, लगभग मोदी जी के 96.9 मिलियन केवल एक्स पर है। इसी तरह से उनके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसमें मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है। तो आज के साइबर योद्धा को चुनावी रणनीति के तहत मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है और भविष्य में हम देश को विकसित भारत बनाने वाले हैं उसको पहुँचाना है। मैंने ये भी कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया, जैसे विपक्ष के नेता देश को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, जाति धर्म क्षेत्र के नाम पे बांटना चाहते हैं, हमें उसमें नहीं जाना, हमें अपनी उपलब्धियां ही बतानी है। वो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, हम देश को एकजुट रखना चाहते हैं। वो भ्रष्टाचारियों को एक मंच पर इकट्ठा करते हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हर कार्रवाई करने के लिए जांच एजेंसियों को स्वतंत्र करते हैं। ये लोग भ्रम और भय पैदा करना चाहते हैं, हम जानकारी देकर जनता का आशीर्वाद पाना चाहते हैं। मैं यही कहूँगा, आज के युग में न्यू मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। जहाँ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपना रोल अदा करती है, न्यू मीडिया देश के करोड़ों फोनों तक अपनी जानकारी पहुँचाता है अलग अलग प्लेटफॉर्म से। और यहीं पर जो फर्जीवाड़ा ये कुछ राजनीतिक दल करते हैं, उनको भी लेंस लगाकर हम देखते हैं और उनका पर्दाफाश करते हैं। सर, अटल जी ने कि जो है बीजेपी का प्रेशर है उनके ऊपर कि वो ज्वाइन करें, नहीं तो उनकी अरेस्टिंग कर दी जाएगी। ये पिछले 4-5 वर्षों में आपने ऐसे बयान एक नहीं अनेक बार आम आदमी पार्टी से सुने होंगे, जिस पार्टी का आधार ही झूठ पर बना है। एक से एक बड़ा झूठा आम आदमी पार्टी में, और झूठ बोलकर ये राजनीति में आए, राजनीति में आके भ्रष्टाचार किया। और जिस रामलीला मैदान में कभी इन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी रैली की थी, वहाँ पर सारे भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा करके रैली की है। ये दुर्भाग्य है, मुझे पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। हर वो वोटर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है जब वो अरविंद केजरीवाल जी के पुराने बयानों को सुनता है, जो कभी ईमानदारी की बात करते थे, आज वो कट्टर बेईमान नज़र आते हैं, जेल की सलाखों के पीछे नज़र आते हैं। मुझे बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है, पीड़ा होती है उस वोटर के लिए जो बेचारा आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, जो 9 बार ईडी का समन आने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जांच में शामिल नहीं होते। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कहते थे इस कुर्सी पर कोई भी बैठता है वो भ्रष्ट हो जाता है, वो उन्होंने सच करके दिखाया भ्रष्ट हो गए, वो कट्टर बेईमान हो गए। बड़ा दुर्भाग्य साहब, देखिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो, कितना ठगा हुआ महसूस करती है दिल्ली की जनता। और वो लोग जो कल तक इनके आंदोलन के साथ जुड़े थे, आज उनको कितना कष्ट पीड़ा होती हो, ये कितने झूठे लोग हैं जो झूठ बोलकर वोट तो पाए लेकिन भ्रष्टाचार करके मलाई भी खाई, अब जेल भी खा रहे हैं। वो कह रहे हैं आपके कई नेता और जेल जाएंगे अभी, देखिए इनकी इच्छा पूरी होगी अगर भ्रष्टाचार किया होगा। अनुराग जी कहना है कि चुनाव से पहले ही राम मंदिर तैयार किया गया है, मुरादाबाद के एयरपोर्ट के अभी तक कोई उपाय इसके बारे में क्या कहना है? देखिए
ना जाने कितने लोगों को इस बात की प्रसन्नता, देश और दुनिया में करोड़ों लोगों को कि 500 साल का इंतजार खत्म हुआ, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। उत्तर प्रदेश इकलौता राज्य ऐसा जहां पर 21 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश, और जिसमें से 8 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं। मैं मुरादाबाद की जनता को विश्वास दिलाता हूँ, ये काम जो मोदी योगी सरकार कर रही है वो निश्चित पूरा भी होगा। जहाँ मुरादाबाद भी होगा वहाँ जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इस साल के अंत में शुरू हो जाएगा। आरिफ अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का जेल जाने के बाद में कद और बढ़ गया है। अगर ऐसे ही कद बढ़ता है भ्रष्टाचार करके जेल जाने में, तो फारूक जी किसी ने रोक नहीं लगाई है। फारूक जी के ऊपर स्वयं एक बहुत गंभीर भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है। जहाँ क्रिकेट बढ़ाने के लिए पैसा आता था, इन लोगों ने उस पैसे को भी खाने का काम किया, जे एंड के बैंक को भी खाली किया। अनुराग जी कैंडिडेट नहीं है फ्रेम में कहीं, भाजपा कैंडिडेट नहीं है यहाँ से फ्रेम में कहीं। हमारा हर पार्टी का कार्यकर्ता भाजपा का कैंडिडेट और नरेंद्र मोदी बन के काम कर रहा है। सुनीता केजरीवाल इस समय विधायकों से मिल रही है सर, वो कुछ बड़ा देखिए, पहले जो बाकियों को परिवारवादी पार्टी कहते थे, पर अरविंद केजरीवाल जी ने बता दिया कि पत्नी राजनीति में भी नहीं थी, लेकिन राबड़ी देवी की तरह सुनीता जी अब राजनीति में आने की इच्छुक लगती हैं। मैंने बहुत दिन पहले कहा था राबड़ी 2.0 यानी कि श्रीमती केजरीवाल है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।